Hello kids and welcome to English class. So today we are going to read a chapter from Marigold book, page number 56 and 57. So everyone open your book to page number 56 and 57. In this we are going to read a new chapter. The name of the chapter is Circle. Now everyone knows circle. सर्कल क्या होता है आप सबको पता है. मैथ्स में भी आपने जब शेप्स पढ़े हैं तो सर्कल के बारे में पढ़ा है ना. और अगर मैथ्स से पहले भी हमें ये पता है कि हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं अपनी चारों तरफ जो सर्कल शेप में होती है ना. लाइक सन, ये भी सर्कल है. और जो मम्मा जो रोटी चपाती बनाती है वो भी राउंड होती है, सर्कल होती है ना. तो ऐसी बहुत हमारी बॉल होती है वो भी सर्कल होती है. मम्मा की बैंगल्स होती हैं वो भी सर्कल होती हैं, है ना. सो अब ये इस चैप्टर में सर्कल के बारे में क्या बताया गया है वो हम पढ़ते हैं. ओके, सो टेक अ पेंसिल सो दैट यू कैन अंडरलाइन न्यू वर्ड्स. पेंसिल आपको हमेशा जब भी हम चैप्टर रीडिंग करेंगे यू हैव टू कीप द पेंसिल इन योर हैंड ताकि आप न्यू वर्ड्स को अंडरलाइन कर सको और उन्हें लर्न कर सको. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. CIRCLE सर्कल. ओके, लिसन रीड एंड ड्रॉ. वन डे मोहिनी वॉज सिटिंग विद हर ग्रैंड मदर. एक दिन मोहिनी अपनी ग्रैंड मदर के साथ बैठी थी. ग्रैंड मदर सबको पता है कौन होती है. ग्रैंड मदर हमारी दादी माँ है ना. सो वन डे मोहिनी वॉज सिटिंग विथ हर ग्रैंड मदर. एक दिन मोहिनी अपनी ग्रैंड मदर के पास बैठी थी, उनके साथ बैठी थी. ओके, ग्रैंड मदर ड्रू अ सर्कल. ग्रैंड मदर उसकी जो दादी माँ है ड्रू अ सर्कल, उन्होंने एक सर्कल बनाया, ड्रॉ किया. ओके, कैन यू ड्रॉ अ सर्कल मोहिनी, तो दादी माँ ने पूछा. मोहिनी क्या तुम भी सर्कल बना सकती हो. कैन यू ड्रॉ अ सर्कल मोहिनी, क्या तुम भी सर्कल बना सकती हो. येस आई कैन, मोहिनी ने जवाब दिया. हाँ मैं भी बना सकती हूँ. सून मोहिनी ड्रू अ सर्कल. सून तो जल्द ही मोहिनी ने सर्कल बना दिया. ओके, MOHINI मोहिनी. SITING सिटिंग. WITH विथ. GRANDMOTH YOUR ग्रैंड मदर. ओके, SOON सून. DRAW ड्रॉ. ओके, सो मोहिनी ने सुंदर सा सर्कल बना दिया. नेक्स्ट क्या हुआ. नाउ आई विल ड्रॉ अ बॉल. ग्रैंड मदर ने कहा कि अब मैं एक बॉल बनाने वाली हूँ, बॉल बनाऊंगी. ग्रैंड मदर ड्रू 3 लाइन्स ऑन द सर्कल. ग्रैंड मदर ने बॉल के ऊपर 3 लाइन्स बना दी. ओके, मोहिनी ड्रू 3 लाइन्स ऑन हर सर्कल. अब मोहिनी ने जो सर्कल बनाया था उसने भी उस पर 3 लाइन्स बना ली. इट्स रियली लुक्ड लाइक अ बॉल. तो उसने बोला कि ग्रैंडमा ये तो सही में बॉल के जैसे ही दिख रहा है. तो आप भी ट्राई करना, आपको पहले एक सर्कल बनाना है फिर बॉल के अंदर 3 लाइन्स बनानी है तो उस सर्कल के अंदर, तो वो एकदम आपको बॉल जैसा लगेगा. ओके, नाउ लेट्स ड्रॉ अ बलून. अब उसकी दादी ने बोला कि इसी बॉल से हम एक बलून भी बनाते हैं. नाउ लेट्स ड्रॉ अ बलून. ओके, ग्रैंड मदर एडेड अ zigzag लाइन टू द सर्कल. तो ग्रैंड मदर ने क्या किया, उस बलून पे एक zigzag लाइन और ऐड कर दी. zigzag का मतलब होता है टेढ़ी मेढ़ी, है ना. जो हम टेढ़ी मेढ़ी लाइन्स ड्रॉ करते हैं zigzag मीन्स जैसे हम z लिखते हैं ना, तो z को जब हम बार बार लिखते जाते हैं ज्वाइंट करके तो वो होती है zigzag लाइन्स. ओके, तो ग्रैंड मदर ने उस बलून पे उस बॉल पर zigzag लाइन्स बना दी. ओके, नाउ स्टूडेंट्स टर्न टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 57. ओ इट्स रियली लुक्स लाइक अ बलून. मोहिनी क्लैप्ड विथ जॉय. सो ग्रैंडमा ने कहा, मोहिनी ने कहा, जैसे ही ग्रैंडमा ने zigzag लाइन बनाई मोहिनी ने देखा और उसने बोला अरे ये तो एकदम ही बलून के जैसा है. मोहिनी क्लैप्ड विद जॉय. CLAPPED क्लैप्ड. मोहिनी क्लैप्ड विद जॉय. मोहिनी खुशी से, जॉय का मतलब खुश होना. ओके, सो मोहिनी खुशी के मारे क्लैपिंग करने लग गई. मोहिनी ड्रू मैनी सर्कल्स, बिग एंड स्मॉल सर्कल्स. मोहिनी ने बहुत सारे सर्कल्स बनाए, छोटे सर्कल्स, बड़े सर्कल्स,
रेड ब्लू ग्रीन एंड येलो सर्कल्स, रेड कलर का, ब्लू कलर का, येलो कलर का, ऐसे डिफरेंट कलर्स के सर्कल्स मोहिनी ने बनाए. शी ऑल्सो एडेड zigzag लाइन्स टू दीज, सो शी ऑल्सो एडेड, उसने zigzag लाइन्स भी ऐड कर दी उनमें, है ना. ओके सो आपको समझ में आया कि सबसे पहले दादी माँ ने क्या बनाया, एक सर्कल बनाया, फिर सर्कल को बॉल बनाया, बॉल कैसे बनाया, उसमें थ्री लाइन्स ऐड कर दी, फिर उन थ्री लाइन्स के साथ उन्होंने zigzag लाइन्स भी ऐड कर दी, तो वो क्या बन गया, बैलून. अब मोहिनी ने जैसे ही देखा उसकी दादी को इतना सुंदर पिक्चर बनाते हुए, वो भी सर्कल बनाए, उसने भी बॉल बनाया और बलून्स बनाए, और अब उसने बहुत सारे छोटे बड़े सर्कल्स बनाए, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, बहुत सारे कलर्स के. एंड नाउ देयर वर मैनी बलून्स, अब वहाँ पर बहुत सारे बलून्स थे, उसने जितने भी सर्कल बनाए थे उनका बलून्स बना दिया उसने. कैन यू ड्रॉ समथिंग एल्स विद द सर्कल, आस्क्ड ग्रैंड मदर. आस्क्ड मीन्स पूछना. ओके सो ग्रैंड मदर ने उससे पूछा, क्या पूछा, कि क्या तुम और सर्कल से कुछ और भी बना सकती हो. कैन यू ड्रॉ समथिंग, एस ओ एम ई टी एच आई एन जी, समथिंग एल्स, समथिंग का एल्स का मतलब होता है कुछ और. कैन यू ड्रॉ समथिंग एल्स विद द सर्कल, क्या तुम इस सर्कल से कुछ और भी बना सकती हो, आस्क्ड ग्रैंड मदर. तो ग्रैंड मदर ने पूछा, आज का मतलब होता है पूछना. ओके यस सेड मोहिनी, मोहिनी ने कहा हाँ मैं और भी बहुत कुछ बना सकती हूँ. शी ड्रू अ व्हील, अ मून, अ सन, अ रैबिट, अ यस सेड मोहिनी. सो मोहिनी ने उस सर्कल से बहुत सारी चीज़ें बनाई. क्या बनाया, शी ड्रू अ व्हील, अ मून, अ सन, अ रैबिट एंड हर ओन फेस. तो हम सर्कल से बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, है ना. जैसे कि मोहिनी ने बनाया था, उसने क्या क्या बनाया, व्हील. व्हील आपको सबको पता है, जो पहिए होते हैं ना गाड़ियों के, वो भी गोल होते हैं. और अ मून, उसने मून बनाया, अ सन, सन भी ड्रॉ किया, और रैबिट एंड हर ओन फेस, यहाँ तक कि उसने अपना फेस भी ड्रॉ कर लिया. तो स्टूडेंट्स, आप भी सर्कल से बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो जैसे मोहिनी ने बनाए. ओके सो यू हैव यू अंडरस्टूड द चैप्टर. एक बार और हम इसमें जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उन्हें रिपीट कर लेते हैं. ओके सो एम ओ एच आई एन आई इज मोहिनी. ओके एस आई टी टी आई एन जी सिटिंग, W I T H with G R A N D M O T H E R grandmother. Grandmother means हमारी दादी माँ. ओके सिटिंग का मतलब होता है बैठना. ओके grandmother drew a circle, it means grandmother ने सर्कल बनाया. Can you draw a circle मोहिनी, क्या तुम सर्कल बना सकती हो. Yes I can, it means हाँ मैं बना सकती हूँ. मोहिनी drew a circle. ओके नेक्स्ट और कौन से वर्ड्स हैं जो न्यू हैं, लाइक जेड आई जी, जेड ए जी, इसका मतलब होता है जिग जैग. ओके जब हम जेड को जॉइंट करते हुए कंटिन्यूसली जब ड्रॉ करते हैं उसे बोलते हैं जिग जैग लाइन्स. ओके देन एल आई एन ई एस लाइन्स, सी आई आर सी एल ई सर्कल एडेड, ए डबल जी ई डी क्या होता है, एडेड होता है. ओके डी आर ई डब्ल्यू ड्रू. ओके ड्रॉ करना मतलब कोई चीज़ बनाना, है ना, ड्राइंग करना, और उसका पास्ट टेंस होता है ड्रू. ओके नेक्स्ट आर ई ए एल एल वाई का क्या मतलब होता है, रियली. ओके नेक्स्ट इज बी ए डबल एल डबल ओ एन बलून, सी एल ए डबल पी ई डी क्लैप्ड, क्लैप का मतलब होता है तालियां बजाना. ओके नेक्स्ट और कौन से न्यू वर्ड्स हैं, एम ए एन वाई मैनी, मैनी का मतलब होता है बहुत सारे. ओके समथिंग एल्स का मतलब होता है कुछ और. ओके और डब्ल्यू एच डबल ई एल क्या होता है, व्हील. आर ए डबल बी आई टी रैबिट, ओ डब्ल्यू एन ओन, ओन मतलब खुद का. ओके सो दीज आर सम ऑफ द न्यू वर्ड्स. ओके सो अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, अब आपको चैप्टर रीड करना है और इसमें जो भी न्यू वर्ड्स हैं उन्हें बार बार रिपीट करना है, मीन्स लर्न करना है. ओके
एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट, अगर कोई डाउट है कोई भी स्पेलिंग्स को लेके, प्रोनंसिएशन को लेके, या कोई पर्टिकुलर लाइन आपको नहीं समझ में आई, तो यू कैन मैसेज मी, ओके, और यू कैन कॉल मी, ओके. सो स्टूडेंट्स, एन्जॉय रीडिंग. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.